लेकिन अभी पिछले दिनों जनता ने जितने भी चुनाव में जितने भी उम्मीदवार थे, जितनी भी पार्टीज थी, जनता ने इस बार सेंटा बनकर के सबको उपहार दिए हैं। दीपक सैनी जी अलग अलग नेताओं के माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं देने यहाँ आएंगे, पर मैं एक पैरोडी पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि बैलेंस बरकरार किया, हर दल का उद्धार किया, सेंटा बनकर जनता ने सबको ही उपहार दिया, सबको ही उपहार दिया, सबको ही उपहार दिया। और उपहार कैसे दिया कि दिल्ली सौ पीछाड़ू को हिमाचल पंजे को मिला, और गुजरात की बगिया में खुल खुल करके फूल खिला, कि थोड़ी ही परियार मिली, निंग 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 निंग, थोड़ी ही परियार मिली, निंग 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 निंग, साइकिल को रफ्तार मिली, निंग 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 निंग, थोड़ा ज्यादा सबको जनता ने संवार दिया, जनता ने संवार दिया, जनता ने संवार दिया। तो बैलेंस बरकरार किया, लेकिन एक और बात जो हम सबसे अछूती है वो ये कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। एक बड़ा बदलाव जो इन दिनों हमने राष्ट्र के नाम किया है, और वो ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या कहते हैं दीपक सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको आमंत्रण दें। दीपक सैनी जी हमारे बीच। मैं कुछ देश के बड़े बड़े नेताओं को एवीपी गंगा पर प्रस्तुत करना चाहूंगा, अगर वे सब लोग आते हैं। देखिए, सबका अपना अंदाज होता है। लालू जी से शुरू कर, लालू यादव जी सब आपको पता है कितने अच्छे नेता, कितना बढ़िया भाषण देते हैं। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे, लालू जी ने एक घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी नौवीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, और कितने अच्छे दिन हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक से बढ़कर नेता है। राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री मैं करता हूँ, राजनाथ सिंह जी को पेश करता हूँ आपके इस कार्यक्रम में। अभी चाइना का जिक्र किया, जैसे हमारे सैनिकों ने उनको मार के भगाया, राजनाथ सिंह जी अगर यहाँ पे आते आपको संबोधित कैसे करते। अध्यक्ष महोदय, भाइयों बहनों, एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों, जहां तक प्रश्न चाइना का है, तो हमारे सैनिकों ने चाइना को मार मार करके भगाया है, कटीली तारों से बांधा है, डंडों से पीटा है, और वे आऊ माऊ चाऊ माऊ करते करते बॉर्डर से भागे हैं। बस तमाम डंके की चोट पर पूरे भारतवर्ष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, कितना भी चाइनीज जोर लगाएं, परंतु भारत और चाइन के चीन के बॉर्डर पर उनको मोमोज और चाउमीन बेचने नहीं। क्या बात है भाई, मोमोज और चाउमीन। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी अगर आते आपके इस न्यूज पे नए साल की शुभकामनाएं। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं कि इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। तो मैं एबीपी गंगा देखने वाले सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं भाई, और इतना ही कहना चाहता हूं, ये कवि लोग हैं, इनकी कविता पर तालियां बजानी है, हाथ खड़े करके बजानी है, और जो भी ताली नहीं बजाता है उसको हम देखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया दीपक सैनी जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।